इस जग में बहुत ही गंदा पानी है जैसा कि आप देख रहे हैं। आज हम इसको क्लीन करने के लिए वाटर प्यूरीफायर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस जग में जो पानी है उसका वाटर TDS चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका TDS आ रहा है 850, मतलब ये पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। वाटर प्यूरीफायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो बॉक्सेस ले लिए हैं। एक बॉक्स 8 लीटर का लिया है मैंने और एक बॉक्स यहाँ पे 5 लीटर का लिया है। और वाटर प्यूरीफायर की कैंडल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ये 500 ml की बोतल ले ली है। इसके लिए हमें करने होंगे इसमें कुछ होल, तो हम सबसे पहले इसके ढक्कन में होल कर देते हैं। ढक्कन में हम एक नहीं कई होल करेंगे। अभी हम इसके बॉटम में और होल कर देते हैं। इसके बॉटम में भी होल हो चुके हैं, तो हम इस बोतल की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिए हैं, यहाँ पे हमने चंबल सैंड ली है, ये मोटी वाली चंबल का यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे गिट्टी का यूज़ किया है, यहाँ पे मैं छोटी वाली गिट्टी का यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ कोयला, ये बबूल का एक्टिव कोयला है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके अलावा एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है कॉटन। सबसे पहले इसका ढक्कन खोल के इसके बॉटम में इस नैपकिन पेपर को सेट करेंगे। इसको हम किसी भी स्टिक की सहायता से सेट कर देते हैं। एक और टिश्यू पेपर हम लगाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे इस तरह से ये दो टिश्यू पेपर लग चुके हैं। इसके ऊपर हम डालते हैं कॉटन को। तो देखिए यहाँ पे हमारी कॉटन भी सेट हो चुकी है। यहाँ पर दो लेयर हो चुकी हैं अब तक, पहला टिश्यू पेपर की और दूसरी कॉटन की। अब हम इसमें जो तीसरी लेयर डालेंगे वो डालेंगे अपनी कोयले की। तो कोयले को डालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कीस को। ये कोयला टूटा हुआ कोयला है, अगर आपके पास कोयला अगर बड़ा बड़ा है उसको तोड़ लीजिए तब इसमें डालिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 3 लेयर हो चुकी हैं, हम इसमें कोयला भी डाल चुके हैं। अभी हम फोर्थ लेयर डालते हैं, वो डालेंगे इसमें बालू की। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं अब बालू भी पड़ चुकी है। अब इसमें हम लास्ट लेयर डालते हैं गिट्टी की। इसमें हम लास्ट लेयर गिट्टी की भी डाल चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले टिश्यू पेपर, फिर कॉटन, फिर कोयला, फिर बालू और फिर गिट्टी। इसमें टोटल 5 लेयर आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी बोतल रेडी हो चुकी है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। अब बारी आती है इसको फिट करने की। तो इसको हम फिट करेंगे इस छोटे वाले बॉक्स में। इसके हिसाब से होल करने के लिए हम यहाँ पे मार्कर की हेल्प से इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके बॉटम में ये होल हो चुका है। अब हम इसमें इस बोतल को फिट कर देते हैं, लेकिन इस बोतल को हमें बहुत टाइटली फिट करना है ताकि नीचे से कोई लीकेज ना रह जाए जहाँ से पानी निकल सके। तो इसको टाइटली फिट करने के लिए मैं इस तरह के एक बारसर का यूज़ कर रहा हूँ। इस बारसर को मैं इसमें डाल देता हूँ और इसके ऊपर इसको लगा दिया। ऊपर से हम इसकी कैप को लगा देते हैं। इस तरह से ये हमारी कैप फिट हो गई है। अब इसकी हम वाटर लीकेज को ख़त्म करने के लिए ऊपर से और नीचे से ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से ग्लू लगा देते हैं। अगर ग्लू गन की जगह MCL अवेलेबल हो तो MCL भी लगाया जा सकता है। मेन मकसद इसमें वाटर लीकेज को रोकना है ताकि पानी डायरेक्ट नीचे की तरफ ना निकले। अब इस बोतल को फिट करने के लिए बड़ा वाला बॉक्स ले लेते हैं। बड़े वाले बॉक्स में ये बोतल का नीचे वाला हिस्सा जाएगा, तो इसके हिसाब से हम इसके ढक्कन में यहाँ होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस ढक्कन में होल हो चुका है, यहाँ से ये बोतल आसानी से अंदर चली जाएगी। अभी हमें जो ये बकेट नीचे रहनी है, यहाँ पर ये वाटर टैप लगाने के लिए एक होल करके इस वाटर टैप को फिट कर देते हैं। रबर के वार्सर हमने दोनों आगे पीछे से लगा दिए ताकि किसी भी तरह की वाटर लीकेज ना हो। अब हम ये बड़े वाले बॉक्स के ऊपर ये कटा हुआ कैप रख देते हैं और इस बॉक्स में थोड़ा सा स्पेस बना रहा है, इसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह की एक प्लास्टिक की रिंग ले रखी है, प्लास्टिक के बॉक्स को काट रखा है। इसको आप रखें और इसके ऊपर इस तरह इसको फिट कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम इस पानी को डाल देते हैं अपने प्यूरीफायर में और इसको टेस्ट करते हैं।
इसको प्यूरीफाई होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और देख रहे हैं हम नीचे की तरफ पानी आने लगा है, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि नीचे काफ़ी सारा साफ पानी आ चुका है, हम इसको ले लेते हैं। ये दोस्तों देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आया हुआ है। अब हम इसका वाटर TDS और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम TDS मीटर, इसको ऑन करते हैं और इसको चेक करेंगे। इसको ऐसे देखिए, मैं पास से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें इसका TDS दिख रहा है 601। तो हमारा TDS 850 से घटकर 601 पर आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि ये पानी बिल्कुल भी पीने योग्य है तो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें रहता है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो इसको यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह कम से कम 10 मिनट तक बॉयल करें, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको यूज़ करें ताकि इसके अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सारा इससे हट सके।